प्रदेश को मिलने वाला है नया भाई सीएम पंकित ड्रू मैकइंटायर। धजिया उड़ाए और जाने की क्या कुछ है बड़ा आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू रहेगी, जिसकी सेकंड लास्ट अपडेट में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर सीएम पंक को ड्रू मैकइंटायर ने क्या कहा कि सीएम पंक की झुलस की। प्लस बात करेंगे दोस्तों मेन अपडेट में ट्रायल चीफ रोमन रेंज की, जिन्हें एक नया ब्लड लाइन ब्रदर मिलने वाला है जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है, इवन सोलो सिकोआ से भी ज्यादा ताकतवर। गाइस वीडियो को शुरू में ट्राइबल चीफ के नाम कर दीजिएगा लाइक। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा तगड़ी रहेगी। वीडियो की शुरुआत करेंगे दोस्तों हम बैकी लिंच की न्यूज़ के साथ। बैकी लिंच क्विट्स। अभी से ठीक 3 दिन पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि बैकी लिंच जो है शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई साहब दोस्तों उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, जो कि दोस्तों सत्य भी है। लेकिन गाइस अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। बैकी लिंच ने फैसला लिया है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ही रहेगी, दूसरी कंपनी में नहीं आएगी, बट यहां लीव एक्सटेंड हो चुकी है। तो ये छुट्टी दोस्तों बताई जा रही है कि इससे पहले काफी छोटी थी, लेकिन गाइज अब ये छुट्टी जो है ये बढ़ चुकी है। यहां क्या करके बताया जा रहा है कि बैकी लिंच जो है वो मूवीज में भी है, साथ ही साथ उनके कुछ एक आउटसाइड डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोजेक्ट्स भी है जिन्हें वो कंप्लीट करना चाहती है। ऐसे में दोस्तों उनका रिटर्न जो है रॉयल रंबल और रेसलमेनिया के बीच में होगा नेक्स्ट ईयर, यानी कि दोस्तों इस साल अब वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। यहां दोस्तों बात करूं उनके रिटर्न की, तो गाइस उनके रिटर्न पर बताया जा रहा है कि लायरा वॉल्केरिया के साथ या तो उनकी राइवलरी हो सकती है या फिर ये टैग टीम बना सकती है। तो लायरा वॉल्केरिया के साथ दोस्तों हमें एंड टाइम पर वो दिखाई दी थी बैक स्टेज, और लौटने के साथ ही दोस्तों हम लोगों को फिर से इन दोनों के बीच में केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। बात करेंगे दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों TNAXWWE से। तो दोनों कंपनी के बीच में दोस्तों कॉलैब हो चुका है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इसके बारे में मल्टीपल वीडियोस में। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये कॉलैब सिर्फ और सिर्फ एक दो अपीयरेंस का नहीं है, या फिर कह लीजिए दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ एक दो हफ्ते का नहीं है, ये एक लंबा कॉलैब करके बताया जा रहा है। लेकिन क्या करके बताया जा रहा है कि WWE से भी कोई जाएगा TNA के अंदर, क्योंकि कॉलैब ऐसे ही चलता है। हाँ दोस्तों मुझे दिल से यही फील आ रही है कि वो कोई और नहीं बल्कि AJ Styles ही रहने वाले हैं। AJ Styles का हमेशा से एक सपना रहा कि जब भी वो रिटायर हो रेसलिंग से तो TNA के अंदर हो, लेकिन अब वो WWE के अंदर है तो TNA से दोस्तों रिटायरमेंट ले सकते हैं, WWE में दोस्तों रेसलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, और इसलिए दोस्तों TNA में अपेयर होते हुए नजर आ सकते हैं। तो AJ Styles के दोस्तों चांसेस बढ़ चुके हैं TNA में वापस लौटने के और वहां एक आखिरी रिटायरमेंट मैच देने के। हम बात करेंगे दोस्तों डेव बाटिस्ता की। तो काफी टाइम से दोस्तों बाटिस्ता के ऊपर अपडेट नहीं आई थी, लेकिन कल बाटिस्ता काफी तगड़े तरीके से ट्रेंड कर गए। रीजन था दोस्तों उनकी थ्रोबैक पिक्चर। तो डेव बाटिस्ता ने दोस्तों अपनी जवानी की एक तस्वीर शेयर की जब वो टीन हुआ करते थे, तो आप देख सकते हैं तस्वीर दोस्तों डेव बाटिस्ता की है। डेव बाटिस्ता उतना ज्यादा एनिमल नहीं थे उस समय, लेकिन स्टिल दोस्तों काफी एनिमल थे अगर दोस्तों हम बात करें एवरेज से की, तो एवरेज से तो काफी ऊपर थे। लेकिन हाँ बाटिस्ता की इस जवानी की तस्वीर ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर ली है, क्योंकि यहाँ बिना टैटू के बाटिस्ता काफी यंग नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों डेव बाटिस्ता कंपनी में कब लौटते हैं, हालांकि इस समय लोग उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं। बाटिस्ता कह चुके हैं कि उनका रिटायरमेंट मैच हो चुका है अगेंस्ट ट्रिपल एच, लेकिन मुझे लगता है कि एक और मैच दोस्तों वो लड़ने के काबिल है। हम बात करेंगे इससे अगली न्यूज की। तो एक सुपरस्टार दोस्तों अब जल्द लड़ने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि इनका भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने जा रहा है। इसे दोस्तों आप कर्ट एंगल से कंपेयर करते हैं, और ये बंदा दोस्तों अपनी एक टीम चलाता है। यस यू गेस्ट इट राइट, चैड गेबल का भी कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक्सपायर होने वाला है। नेक्स्ट फ्राइडे दोस्तों चैड गेबल का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपायर हो जाएगा। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट के माने तो गाइज अभी तक चैड गेबल ने नई डील साइन नहीं की है। चैड गेबल के बारे में बात करूं, बहुत ज्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार है, बहुत ज्यादा दोस्तों पोटेंशियल रखते हैं, और इस समय काफी अच्छे भी लग रहे हैं ऑन स्क्रीन। मुझे लगता है दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन्हें मोटा पैसा देकर साइन कर लेंगे। बात करेंगे दोस्तों इस अगली न्यूज की। इस अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो कोडी रोड्स ने दोस्तों एक बड़ी पोस्ट डाली है, और इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ। इस वक्त दोस्तों देखेंगे तो कोडी रोड्स काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। मेन रोस्टर की बात करूँ, कोई भी सुपरस्टार दोस्तों उन्होंने हराने में सक्षम नहीं है। उनको हराने में दोस्तों जो बंदा सक्षम हो कंपनी में ही नहीं है। यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स ने एक पोस्ट डाली है, और उसमें वो खुद फैंस से पूछ रहे हैं और WWE से पूछ रहे हैं हु इज नेक्स्ट टू चैलेंज रोड्स फॉर अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप, यानी कि मुझे कौन फेस करना चाहिए
यहाँ दोस्तों बात करूँ सुपरस्टार्स की, तो डब्ल्यू के अंदर दोस्तों एक दो सुपरस्टार्स तो मैं गिना सकता हूँ जो कि कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट ज़्यादा लंबी नहीं है क्योंकि रोमन रेंज को हरा कर आए हैं जिन्होंने कंपनी में सभी को हरा दिया था। यहाँ दोस्तों कोडी रोड्स जो है वो खुद से पूछ रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि उन्हें किसको फेस करना चाहिए, तो कमेंट डाउन बिलो, मैं देखूंगा दोस्तों आपका क्या रिएक्शन रहता है इस थिंग के ऊपर। हम बात करेंगे इससे अगली बड़ी न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 2 से। तो इस साल दोस्तों रेसलमेनिया नाइट 2 काफ़ी पॉपुलर रहा, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर हर जगह बातचीत चली। इवन जो नॉन रेसलिंग फैंस भी है आपके दोस्त जैसे कि, उन्होंने भी आपको कहा होगा यार रेसलमेनिया नाइट 2 काफ़ी तगड़ी थी, क्योंकि सबने वो वाली फिनिश देखी जहां रॉक आते हैं, टेकर आते हैं, इवेंचुअली रोमन रेंस मैच को हार जाते हैं, कोडी चैंपियन हो जाते हैं। तो यहाँ दोस्तों नाइट 2 इतनी बड़ी हिट हुई है कि आप मुझसे पूछे ना, यहाँ टिकट सेल का रिकॉर्ड निकल कर सामने आया है, अराउंड $19.7 million दोस्तों कमाए हैं सिर्फ टिकट बेच के। और यहाँ दोस्तों बात करूँ WWE की, तो WWE वालों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आप खुद फर्ज कीजिए कि सिर्फ टिकट ही टिकट बेच कर WWE वाले $20 million कमा रहे हैं। इतने में दोस्तों वो चार सुपरस्टार को चार चार साल के लिए बांध कर रख सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर, वो भी मेगा सुपरस्टार्स को, और सिर्फ एक नाइट में इतना पैसा छाप दिया है। मैं बात नहीं कर रहा हूँ टेलीविजन डील की, मैं बात नहीं कर रहा हूँ मर्च सेल की, सिर्फ सिर्फ टिकट बेच के दोस्तों यहाँ रेसलमेनिया में डब्ल्यू वालों ने काफ़ी मोटा पैसा कमा लिया है। और गाइज इसका मतलब ये भी है कि डब्ल्यू वालों को कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचा है और कंपनी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो नाइट 2 को दोस्तों बताया जा रहा है कि बिगेस्ट गेट रहा है रेसलमेनिया हिस्ट्री का। तो गाइज इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारी थर्ड लास्ट अपडेट भी है वो जुड़ी है एक ऐसी महिला सुपरस्टार से जिसका रिटर्न कभी नहीं होगा, जो कि एक टाइम पर आपकी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थी, एक टाइम पर मेरी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट थी, लेकिन अब उसे मैं हेट करता हूँ। तो राउडी रोंडा राउजी का रिटर्न दोस्तों अब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। रीज़न बस ये है कि रोंडा राउजी की नई बुक आने वाली है, और गाइज इस बुक का शीर्षक अगर आप सुनेंगे तो आपका खून भी खौलेगा। रोंडा राउजी ने दोस्तों अपनी नई बुक को डिस्क्राइब करते हुए क्या चीज़ कही है कि इस बुक का शीर्षक रहेगा मिनिमम एफर्ट लेजी एस शिट शो। तो WWE वालों को दोस्तों ये चीज़ वो कह रहे हैं, WWE को लेबल किया गया है एक ऐसा शो जो कि काफ़ी कम एफर्ट डालता है। तो अगर मैं बात करूँ द गेम ट्रिपल एच की, मैं बात करूँ WWE क्रू की, तो हर कोई 200% देता है। इवन WWE सुपरस्टार्स अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, स्टंट्स करते हैं, लेकिन यहाँ रोंडा राउजी जो कि एक टाइम पर WWE वालों के द्वारा बहुत हाई लेवल पर पुश की गई, जिन्हें डायरेक्ट पुश दिया गया, वो ऐसी बुक निकाल रही है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा नाखुश हूँ दोस्तों इस चीज़ को लेकर कि राउडी रोंडा राउजी ऐसी हो चुकी है WWE से निकाले जाने के बाद दोस्तों, ऐसा रिएक्शंस दे रही है, ऐसा चीज़ें कह रही है जिससे दोस्तों काफ़ी दुख लग रहा है। वेल दोस्तों अब इस टॉपिक पर क्या कहना है, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन राउडी रोंडा राउजी मेरे हिसाब से अब कंपनी में कभी नहीं लौट सकती है, क्योंकि जैसे उनके हालात है वो फीमेल रायबैक बन चुकी है। हम बात करेंगे दोस्तों आज के अपनी सेकंड लास्ट अपडेट की। सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने CM Punk एंड्रयू मैकइंटायर की कॉन्ट्रोवर्सी से। तो गाइज इनकी कॉन्ट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, आप जानते हैं दोस्तों इनके बीच में राइवलरी है, और गाइज कई बारी दोस्तों CM Punk ड्रू को स्क्रू भी कर चुके हैं, लेकिन ड्रू दोस्तों सोशल मीडिया पर स्क्रू करने में बाज नहीं आते। हाल फिलहाल में दोस्तों CM Punk की एक वीडियो वायरल हो रही थी और उन्हें देखा गया इंटेंस ट्रेनिंग करते हुए, हालांकि इस वक्त तो इंजर्ड है लेकिन इंटेंस ट्रेनिंग उनकी शुरू हो चुकी है, बताया जा रहा समर स्लैम का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन ड्रू मैकइंटायर ने जब ये वीडियो देखी, रिंग साइड न्यूज वालों ने डाली भी थी, ड्रू मैकइंटायर की हंसी छूट गई, हंसी वाला इमोजी दोस्तों उन्होंने यहाँ पुट किया है। ड्रू मैकइंटायर ने मजाक उड़ाया दोस्तों CM Punk की ट्रेनिंग का, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर काफ़ी सॉलिड ट्रेनिंग करते हैं और उनके मुकाबले दोस्तों ये ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। तो यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं ड्रू मैकइंटायर काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, या फिर कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंट। आपको क्या लगता है यहाँ जब मैच होएगा तो कौन किस पर भारी पड़ेगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम बात करेंगे आज की अपनी मेन अपडेट की। वाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड जेकब फाटू के एक साथ लौटने से। जीरो न्यूज की तरफ से दोस्तों अभी से 19 घंटे पहले अपडेट आती है रोमन रेंस के ऊपर, वो लिखते हैं कि रोमन रेंस जब लौटेंगे तो थ्रोन के लिए लौटेंगे, वो पहले फैमिली बिजनेस को सॉर्ट आउट करेंगे और चीज़ों को सही करेंगे, और उसके बाद वो आइलैंड के ऊपर राज करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा समय नहीं रह गया है, नीचे वो लिखते हैं ऑल विल चेंज वेरी वेरी सून, यानी कि सब कुछ
बहुत जल्द चेंज होगा। यहां ट्राइबल चीफ के रिटर्न को 100% टीज किया गया था और ये चीज साफ थी कि ट्राइबल चीफ जल्द आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों उनका एक और ट्वीट आता है, वो लिखते हैं द ब्लडलाइन एंगल एट क्लैश ऑफ द कासल वुड बी फन कुड बी फन। तो हां दोस्तों उन्होंने ये चीज साफ की क्लैश ऑफ द कासल में कुछ ब्लडलाइन एंगल होगा। उसके बाद एक और ट्वीट आता है जिसके अंदर दोस्तों जेकब फाटू जिमी एंड जेक को एक साथ दिखाया गया है। इससे पहले अपडेट थी कि जेकब फाटू को हो सकता है फेस टीम में रखा जाए, क्योंकि अगर उन्हें सोलो के साथ रखा जाता है तो हो सकता है कि सोलो को कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर दे, कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि जेकब फाटू लीडर है, क्योंकि जेकब फाटू फिर तो किसी की नहीं सुनेंगे क्योंकि वो काफी ताकतवर सुपरस्टार है और बिल्कुल दोस्तों उमागा जैसे है साइज में। तो यहां दोस्तों हो सकता है कि रोमन रेंस के गवर्नेंस में रहे, रोमन रेंस के अंडर रहे। रोमन रेंस तो बाद में है, लेकिन उससे पहले जेकब फाटू जिमी एंड जे का रिटर्न हो, जहां गाइज हम एक तगड़ी ब्रॉल देखने को मिले टोंगन्स एंड समोअन्स के बीच में एट दिस ईयर क्लैश ऑफ द कासल। अब देखते हैं दोस्तों ये चीज होती है या फिर नहीं, लेकिन मुझे तो दोस्तों जो ये जेकब फाटू एंड रोमन रेंस है अभी भाई भाई ही लग रहे हैं। वीडियो आज कितनी थी, पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभकामनाएं।